हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का एक चैप्टर है डायरेक्शन टेस्ट। इससे दोस्तों हर गवर्नमेंट एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसलिए ये कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा तो इससे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो अगर लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो वीडियो आपको मिल सकता है हमारे चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है दोस्तों, डायरेक्शन टेस्ट है। डायरेक्शन टेस्ट में पहले कंसेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर कंसेप्ट समझिए तभी इसका आपका क्वेश्चन बनेगा। आइए पहले जान लेते हैं डायरेक्शन कितने होते हैं, दिशा कितने होते हैं। दिशा जो होते हैं दोस्तों चार होते हैं। कौन कौन से? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। चार दिशा होता है दोस्तों। कौन कौन सा? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। चार दिशा होता है और सब उसका सब कोऑर्डिनेट होता है दोस्तों, चार होता है। कौन कौन सा? उसके बीच कौन पूर्व और उत्तर के बीच का होता है उसको क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व कहेंगे। फिर इसके बीच का जो आएगा दोस्तों, उत्तर और पश्चिम के बीच का आएगा उसका क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम बोलेंगे। फिर आता है दोस्तों पश्चिम और दक्षिण के बीच का आएगा उसका क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। फिर आता है दोस्तों दक्षिण और पूर्व के बीच का आएगा दोस्तों क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व बोलेंगे। इस तरह आपको एंगल वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एंगल वाला क्वेश्चन पूछतेगा, आपको एंगल पता होना चाहिए तभी आप इसका क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से आप जो ये एंगल होगा 90 डिग्री का, कितना होगा? 90 डिग्री का। इसको अगर 20 से हम लोग आधा करते हैं तो 45 डिग्री होगा। उसी तरह ये आप धीरे धीरे आप आगे बढ़ेगा तो उसका एंगल 45 डिग्री जुड़ते जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखेंगे तो 135 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। फिर इससे आगे आप बढ़िएगा तो यहाँ पर 45 डिग्री जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 225। फिर उसी तरह आप आगे बढ़ेगा 45 डिग्री जुड़ेगा तो 270 डिग्री। फिर यहाँ पर 45 डिग्री जुड़ेगा तो फिर 315 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ तक टोटल आ गया आपको 360 डिग्री। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक आपको मान कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। उसी में आपको पूछ देगा दोस्तों, कोई अगर आदमी पूर्व में खड़ा है तो वो उत्तर पूर्व जा रहा है तो कितने डिग्री पर है? तो आपको आपको यहाँ पर अगर यहाँ पर पहुँचेगा तो 45 डिग्री। वो आपको कह देगा उत्तर पहुँच गया तो कहाँ पर पहुँच गया? 90 डिग्री पहुँच रहा है। इसी तरह हम क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो उसमें आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे इसका क्या कंसेप्ट है। या फिर से समझ लेते हैं दोस्तों क्या कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है दोस्तों? चार दिशा होता है। चार दिशा कौन कौन सा? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। चार दिशा कौन कौन सा? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसके फिर चार दिशा और होता है कौन कौन? उत्तर पूर्व होता है, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण पश्चिम, उसके बाद दक्षिण पूर्व। ये 8 दिशा होता है टोटल। चलिए आप क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग कैसे बनेगा। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। इस दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर। पहले आपको क्वेश्चन जैसे दे देते करना है दोस्तों, उसके बाद आपका क्वेश्चन बन जाएगा बहुत इजी तरीके से। किस दिशा में? दक्षिण दिशा में की ओर है। वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है और उसके बाद घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, उसका मुंह किस दिशा में होगा? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कैसे करना है? जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे करना है। देखिए दोस्तों, घड़ी का कार्य है विपरीत दिशा में। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है आदमी का मुंह किस दिशा है? दक्षिण दिशा के। यहाँ पे खड़ा है आदमी, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है दक्षिण दिशा के, उसका मुंह है। यहाँ से किस कितना डिग्री का रहेगा? तो 135 डिग्री। अब हम लोग आप लोगों को पता है कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। फिर यहाँ से हम लोग आधा करेंगे तो यहाँ तक दोस्तों यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग यहाँ पे से चलना, वो आदमी यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया तो यहाँ 90 डिग्री, यहाँ से 45 डिग्री चलेगा तो कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। ये हो गया दोस्तों यहाँ तक पहुँचा। उसके बाद दोस्तों फिर क्या कर रहा है? देखिए क्वेश्चन, अरे दोस्तों देखिए यहाँ पे यहाँ तक पहुंचा कितना डिग्री हुआ? 135। ये जो है घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी जो है दोस्तों ये घड़ी की विपरीत दिशा है। क्या दो कौन सी दिशा है? घड़ी की विपरीत दिशा है। घड़ी का विपरीत दिशा इधर हो गया, फिर घड़ी का इधर से घूमेगा तो घड़ी की दिशा में हो जाएगा। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं क्वेश्चन, घड़ी की दिशा में 180 डिग्री, घड़ी की दिशा में हम लोग यहाँ से 180 डिग्री घूमेंगे तो इधर से इधर आएगा, यहाँ से यहाँ तक हो गया कितना डिग्री? 180 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। किस दिशा में हो? यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, यहाँ पे कितना पड़ जाएगा? 180 डिग्री। तो आप बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं दोस्तों? अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? अब जो उस आदमी का मुंह होगा दोस्तों किस दिशा में होगा? दक्षिण पश्चिम की दिशा में होगा। किस दिशा में होगा दोस्तों? दक्षिण पश्चिम की दिशा में होगा। आपका ऑप्शन जिस ऑप्शन में होगा दक्षिण पश्चिम, उस ऑप्शन में मार दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग समझ गए होंगे, एक बार फिर से समझ लेते हैं। घड़ी का जो डायरेक्शन होता है इस तरह से होता है, किस तरह? इस तरह से घड़ी घूमता है। फिर आपको पता है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में गया तो इस तरह घुमा, फिर विपरीत सुई की दिशा में इस तरह से घूमेगा। उसी तरह से किया, घड़ी की विपरीत दिशा में इधर गया और घड़ी की दिशा में इधर आया। इसी तरह हम लोग यहाँ से 135 डिग्री यहाँ पे घुमा, यहाँ से 180 डिग्री आया। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इससे क्वेश्चन पढ़ने का और आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति
उत्तर पश्चिम की दिशा के अवसर किस दिशा में है दोस्तों, उत्तर पश्चिम दिशा। जैसे जैसे क्वेश्चन करा उसे करना शुरू कर दिया। उत्तर पश्चिम दिशा के अवसर है वह घड़ी किस दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, तो उत्तर पश्चिम दिशा कौन सा हो गया, ये दोनों के बीच की दिशा में क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा कहते हैं। यहाँ पर आदमी खड़ा है, ठीक है दोस्तों, इस इधर की ओर बढ़ रहा है, फिर क्या कहता है, वो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, घड़ी की दिशा इधर हो गई, इधर की दिशा क्या पर मुड़ता रहता है, यहाँ से 45 डिग्री हो गया दोस्तों, यहाँ से 90 डिग्री कर रहा था, 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा 90 डिग्री हो गया, ये आदमी यहाँ पर पहुँचा, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया। उसके बाद क्वेश्चन क्या करा, पुनः वो घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है, तो यहाँ से ये हम आदमी चलना शुरू किया, 135 डिग्री इधर मुड़ा, तो यहाँ पे कहाँ पहुँच गया दोस्तों, यहाँ पे हो गया 135 डिग्री, कितना डिग्री हो गया 135 डिग्री। जितना क्वेश्चन करा उतना ही करना है। अब पूछ रहा है इसकी वर्तमान दिशा कहाँ है, तो वर्तमान दिशा आपको यहाँ पे कहाँ पे पहुँच गया, पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा आपका किस जिस ऑप्शन में रहेगा वो ऑप्शन आप टिक कर दीजिएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या करा है, कारण मेरा मुख पूर्व की ओर, पूर्व की ओर घड़ी की दिशा में, किस यहाँ पे ये पॉइंट मेन है दोस्तों, किस दिशा में करा, घड़ी की दिशा में, यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट करके गया, घड़ी की दिशा में करा 100 डिग्री घूमता है, उसके बाद फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 145 डिग्री होता है, फिर वो पूछता है अब मेरा मुख किस दिशा की ओर होगा, ये क्वेश्चन को आराम से बदल जाइए दोस्तों, जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे से चलेंगे, मेरा मुख पूर्व की ओर, यहाँ का हमारा पूर्व की ओर, ठीक है, अब क्या करा, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा ये नीचे की ओर की, घड़ी की दिशा इधर होता है, घड़ी की विपरीत दिशा ऐसे होता है, ये आपको घड़ी की दिशा याद रखेगा दोस्तों, तो घड़ी की दिशा में हमको कह रहा था 100 डिग्री कह रहा था, घड़ी की दिशा यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है, फिर घड़ी की दिशा हमारा 100 डिग्री कह रहा था, यहाँ से हम यहाँ तक 10 डिग्री ले लेंगे, कितना लेंगे 10 डिग्री ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हुआ, और यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना हो गया 100 डिग्री हो गया, ठीक है, तो यहाँ तक हमारा 100 डिग्री घूम गया, ये 100 डिग्री घूम गया, फिर क्या करता है, घड़ी की विपरीत दिशा में 145 डिग्री करा है, क्या करा है, घड़ी की विपरीत दिशा में 145 डिग्री करा है, फिर हम लोग यहाँ से यहाँ चलेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 145 डिग्री हमारे यहाँ पड़ता है, क्या पड़ता है, यहाँ पड़ता है, ये 145 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब देखिए घड़ी के विपरीत दिशा में कर रहा, तो घड़ी के विपरीत दिशा में हम यहाँ तक पहुँच गए 145 डिग्री, अब करा मेरा मुख किस दिशा में, अब ये दोनों के बीच की दिशा को हमको पहले ही कंसेप्ट बताया क्या कौन सा दिशा कहता है, हम लोग इस दिशा को उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं, कौन सा कहते हैं, उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं, हमारा मुख किस ओर होगा, उत्तर पूर्व की दिशा की ओर होगा, जैसे क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा इसको घुमा के दिया आप लोग को, तब बनाने में उसको प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए आप जैसे जैसे सेंटेंस कहता है वैसे वैसे करना, अगर आपको डिग्री का कंसेप्ट याद है तो डायरेक्शन का तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, आप लोग समझ गए होंगे, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों रेलवे में 4 बार क्वेश्चन पूछा गया, तब पूछा गया रेलवे आरआरबी कोलकाता 2013 में पूछा गया, उसके हाजीपुर में 2014 में पूछा गया, सेम क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी पटना में दोस्तों 2014 में पूछा गया, एनटीपीसी ग्रुप डी ये सब में क्वेश्चन पूछा, सेम क्वेश्चन पूछा दोस्तों, कोई भी चेंज नहीं किया, देखिए फिर से एक कंसेप्ट समझ लीजिए दोस्तों, हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 100 डिग्री हो गया, कितना हो गया 100 डिग्री, यहाँ तक 90 डिग्री होता है, फिर यहाँ से हम लोग 10 डिग्री यहाँ से इसमें से थोड़ा मिले तो हमारा 100 हो गया, तो फिर हमसे यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना होता है 100 होता है, ये कौन का हम लोग 90 डिग्री करते हैं, इसका आधा करते हैं कितना होता है 45 डिग्री, इसको यहाँ तक 45 से बढ़ा दिए कितना हो गया 145 डिग्री, आप लोग क्लियरली समझ रहे गए होंगे दोस्तों, को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आज का क्लास यही तक दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में हमको और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन बताएंगे, इसलिए नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखेगा, इसको अगर इस क्वेश्चन का कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और इस टाइप का क्वेश्चन बनाइए, कोई भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम आता है आप उसका फोटो दीजिए हमें भेजिए, हम उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं दे पाएंगे तो उस क्वेश्चन का हम वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे, उससे आप कंसेप्ट समझ जाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।